संत कबीर नगर जनपद के नव सृजित नगर पंचायत हसर बाजार धनगटा के संभावित सपा प्रत्याशी चेयरमैन प्रत्याशी चंद्रकला के समर्थन में समाजवादी नेता पवन चौहान ने सघन जनसंपर्क किया। पवन चौहान के समर्थक लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। पवन चौहान के मुताबिक उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है और उन्होंने बताया कि विकास का खाका उन्होंने खींच लिया है। नगर पंचायत के विकास की क्या क्या रूपरेखा होनी चाहिए उनकी मन में पहले से तैयार है। अब जनता उनको चुनाव जिताकर उनके प्रत्याशी को चयन बना दे, उसके बाद देखिए विकास कैसे क्षेत्र का किया जाता है। ये हमारा जो है चुनावी जनसंपर्क चल रहा है जी। यहाँ जो नगर पंचायत का चुनाव होना जी जी, यहाँ हमारा जो चंद्रकला प्रत्याशी है जी जी, उनके समर्थन हम अपना जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। अगर जनता यहाँ को आपको जिता दी, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, विकास का क्या रहेगा? हमको विकास के बारे में बहुत बताना नहीं, क्योंकि हमको एक बार हम जिला पंचायत सदस्य है, जहाँ से जिला पंचायत सदस्य थे वहाँ जाकर पूछ लीजिए विकास कैसे किया जाता है जी। और मैं जिस राजनीतिक व्यक्ति का चेहरा हूँ जी जी, वो विकास का यहाँ संत कबीर नगर का मसीहा था जी जी, और हम विकास करना जानते हैं, विकास भली भूल से करेंगे। यहाँ बहुत पिछड़ा इलाका है, विकास बहुत अच्छी तरह से करेंगे। बाहरी बागर में क्या कहना है, बाहरी जो आ रहे हैं यहाँ, देखिए ये चरागाह बन गया है हैसर विधानसभा जी जी, ये जो आता है चर कर चला जाता है, बस हर बार बदलते हैं लोग जी जी, हर वक्त बदलते रहते हैं, कभी कोई गोरखपुर से, कभी कोई कहीं से आकर जाता है। और यहाँ के लोगों से चाहिए कि जो इनके बीच का रहने वाला हो, जी इनको दुख और दर्द में शामिल होता हो, उसको चुनाव करें, चाहे बीच जिस दल से हो, लेकिन इनके बीच का रहना चाहिए और बाहरियों को भगा देना चाहिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।